उत्तराखंड प्रभारी बड़े भाई हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि बड़े भाई शंभु प्रसाद पोखरियाल जी, प्रदेश महासचिव मैं संजय सिंह जी, अतुल शर्मा जी, समाजवादी पार्टी की प्रदेश की वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहन हिमाबुला जी, हरिद्वार के जिला अध्यक्ष भाई साजिद अंसारी जी, देहरादून के जिला अध्यक्ष भाई शकीर मिर्जा जी, महंत शुभम गिरी जी, राजेंद्र प्रासर जी, और सफल कार्यक्रम को कराने के लिए आज के हीरो लोहियाबानी के प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव और उधम सिंह नगर के जिला प्रभारी भाई अरविंद यादव जी, उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष रवि छाबड़ा जी, हमारे मीडिया प्रभारी कुलदीप शर्मा जी और यहां पर उपस्थित टोनी पठान जी, जया ठाकुर जी, लव दत्ता जी और सभी मेरे सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और एक बार पुनः बधाई देता हूं भाई अरविंद यादव जी को, शंकर यादव जी को, रवि छावड़ा जी को, जो पूरी टीम में हमारी, उसको मैं बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं रवि छावड़ा जी से, अरविंद यादव जी से, कि जो फलदार पत्थर होता है, फलदार पत्थर होता है लोग उस पर पत्थर मारते हैं, जो काम करता है लोग उसी को क्रिटिसाइज करते हैं। आप समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में और उधम सिंह नगर में स्थापित काम करने का काम कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी की जो नीति है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर प्रदेश प्रभारी जी भी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, जो बहुत ही सरल हृदय के हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। मेरा एक प्रस्ताव है, जितने प्रस्ताव हमारे संजय सिंह जी ने रखे उन सभी प्रस्तावों का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक अपनी तरफ से एक सुझाव देता हूं कि आगे लोकसभा के साथ साथ में आगे निकाय नगर निकाय के चुनाव है, उसके बाद में 2027 के विधानसभा के चुनाव है, तो हमें अभी से उनकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए और अभी से जो लोग जिस विधानसभा में लड़ना चाहता है, जो हमारा उम्मीदवार है, जो हमारा पदाधिकारी लड़ना चाहता है, अभी से वो बता दे, तय कर ले और बूथों का गठन अभी से करना शुरू कर दे। लेकिन मेरी एक प्रकल्पना है, एक विधानसभा में 250 बूथ होते हैं, अगर हमने बूथ अध्यक्ष बना दिए 250 और उनकी 5-5 सदस्य हमने कमेटी बना दी, तो मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी के जो भी चुनाव लड़ेगा, जो 3 साल मेहनत करेगा, उसकी जो शुरुआत होगी वो 8.5-9 हजार वोटों से होगी, 100 या 50 वोटों से नहीं होगी। हमारी पार्टी का उत्तराखंड में दुर्भाग्य रहा है, हम चुनाव के समय पे ऐसे कैंडिडेट करते हैं, खड़े करते हैं विधानसभा में, कि जिनको अपने घर का अपने पुत का भी वोट नहीं मिलता, या तो आधे भाग जाते हैं या आधे रह जाते हैं। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, सभी पदाधिकारियों को करना चाहता हूं कि आप आज से ही लग जाइए, अपने बूथ का अध्यक्ष बनाइए, अपने मोहल्ले में समाजवादी पार्टी को स्थापित किए करिए। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूत नहीं कर सकती। और मेरी एक निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी, अरविंद यादव जी से भी, आपके बराबर में लगता हुआ नैनीताल जिला है, हल्द्वानी है, मां हल्द्वानी में एक प्रकरण हुआ, सरकार के इशारे पर, भाजपा सरकार के इशारे पर जो बहुसंख्यक समाज है उसका वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए वहां पर सरकार द्वारा प्रेरित दंगा करा गया और पुलिस ने जो है वहां जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका आज तक उत्पीड़न जारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज से पढ़ ले कि हम हल्द्वानी प्रकरण में सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम कहेंगे कि आपने पुलिस ने, क्योंकि
मेरे आश्रम गया दो दिन रहा मैं वहां पर। हमने घर घर जाकर पीड़ित के लिए पुलिस की मौजूदगी में आधे से बदन के लोगों ने सरेआम गोली मारी, सरेआम मुसलमानों के घर जलाए। अगर मुकदमा जो है पुलिस पे पत्थर फेंकने वाले मुसलमान जेल जा रहे हैं तो आने से तो बजरंग दल के कार्यकर्ता जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? ये हम मुख्यमंत्री से, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी को आज इस कार्य समिति की मीटिंग में ये भी निर्णय लेना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद।